आईपीएल 2020 का 33वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। हर बार की तरह हम आपके लिए आईपीएल की सबसे तेज खबर आपके सामने लेकर आए हैं। टॉस हो चुका है और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों पे अगर नजर डाले तो राजस्थान की टीम इस प्रकार है: बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, रियान प्राग, राहुल तेवतिया, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकर और कार्तिक त्यागी। अब आपको बताते हैं आरसीबी के टीम के बारे में, जहां दो बदलाव किए हैं कप्तान विराट कोहली ने। टीम इस प्रकार है: देवदत्त पडिकल, एरॉन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद जो कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं, क्रिस मॉरिस, इसरू उदाना, नवदीप सैनी, गुरकिरत सिंह मान जिनकी वापसी हुई है टीम में, और युजवेंद्र चहल। यह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 2020 में दूसरी भिड़ंत है। उस मैच में आरसीबी ने राजस्थान को 8 विकेट से मात दी थी। विराट कोहली ने आईपीएल में अब तक 185 मैच खेले हैं, वहीं स्टीव स्मिथ 89। विराट आईपीएल में 2020 में अब तक 8 मैचों में 60 की औसत से 304 रन बना चुके हैं, वहीं स्टीव स्मिथ अब तक 8 मैचों में 20 की औसत से 163 रन ही बनाए हैं। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स में अब तक 22 बार आमने सामने हुए हैं। इनमें 4 बार बैंगलोर और 10 बार राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली है। इन मैच का बेनतीजा रहा है। आईपीएल की पल पल की खबर पर पकड़ बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।